बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी कवानीन के मुतल्लिक गैर मुल्की मेरे भाइयों को बहुत हद तक इल्म होता है, क्योंकि यहाँ पर जुर्मानों की शरह बहुत ज़्यादा होती है। तो हम सब भाइयों को पता है, हाल ही में शाह सलमान की तरफ से ऐलान किया गया था कि अगर किसी भाई के में कोई भी किसी किस्म की वायरस की अलामत ज़ाहर होती है तो वो अपने करीब तीन हॉस्पिटल में राबता करे, उधर जाए, अगर नहीं तो 937-937 पर कॉल करे भाई, अपने करीबी तरीबन हॉस्पिटल या जाए, वहाँ जाकर अपना मुकम्मल चेकअप करवाए, मुकम्मल टेस्ट करवाए। अगर उसके पास इकामा है, अगर उसके पास इकामा नहीं है, अगर उस पर भाई किसी भी किस्म का कोई जुर्माना भी है तो एक ज़र्रा जितनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका वहाँ एक रियाल नहीं लगेगा। आपसे वो लोग इकामा तक पूछेंगे भी नहीं कि आपके पास इकामा है या नहीं है, या ग्रामा है आपके ऊपर, ये वगैरह ऐसे ऐसे। सीधा वो आपका मुकम्मल चेकअप करेंगे कि आप में खुदा न ख्वास्ता इसकी तस्दीक है कि नहीं है। तो भाई ये हम सब भाइयों को पता है, हम सब खारजी भाइयों के लिए ये शाह सलमान की तरफ से सहूलत दी गई थी। तो कुछ ऐसे अशखास भी अभी तक मौजूद हैं जो ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से बाद में इनको सज़ा और जुर्माने भुगतने पड़ते हैं। ये लिबास से तो भाई बिल्कुल पाकिस्तानी लगते हैं ये शख्स जो हैं। तो अभी खुदा जाने यहाँ लिखा तो नहीं हुआ कि ये पाकिस्तानी हैं, लेकिन जैसे इन लोगों ने कपड़े डाले हुए हैं ये पाकिस्तानी ही लगते हैं। वादी अल दवासर से ये छः अफराद गिरफ़्तार किए गए हैं, इनमें से एक डॉक्टर साहब हैं जी, वो अपना ये क्लिनिक बनाया हुआ था अंडरग्राउंड और वो चला रहे थे, आप तस्वीर देख रहे हैं। और दूसरे पांच भाई जो हैं वो इससे इलाज भी करवाते थे और आप दूसरों को भी बताते थे कि अगर किसी ने खुदा न ख्वास्ता किसी को मसला है, बुखार वगैरह ही है किसी को या कोई और मसला है, तो वो इधर आए और इससे चेकअप करवाए और इससे मेडिसिन ले। ये डॉक्टर हैं जी, वो शख्स भी डॉक्टर ही बना हुआ था। आप सब भाइयों की मुताबिक मैं इल्म में इजाफा करता चलूं, यहाँ के सऊदी अरब में कोई भी डॉक्टर क्लिनिक वगैरह ऐसे नहीं खोल के बैठ सकता। यहाँ हॉस्पिटल होते हैं, आप हॉस्पिटल में ही जाकर अपना मुकम्मल इलाज चेकअप वगैरह करवा सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई कानून नहीं है इधर के, इधर कोई भाई दुकान में डॉक्टर की दुकान खोल कर बैठ गया, ऐसा सऊदी अरब में नहीं चलता है। तो ये भाई अंडरग्राउंड ऐसे काम कर रहा था, इसको अरेस्ट कर लिया गया है और इसके साथ जो इसके पाँच करिंदे हैं उनको भी कर लिया गया है, जो कि लिबास के से पाकिस्तानी ही लगते हैं। तो भाई ऐसे बिल्कुल काम सऊदी अरब में मत करें, और ऐसे अगर आपको कोई बोले भी कि वो शख्स डॉक्टर है उसे चेक करवा लें, उससे दवाई लिखवा लें, या उसके पास दवाई है वो ले लें, तो ये भी भाई एक जुर्म है। अगर आप भी ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपको भी जुर्माना और सज़ा होगी। तो ऐसे तमाम अफराद से दूर रहें, इसमें यही बेहतरी है। आप में खुदा न ख्वास्ता किसी भी किस्म की कोई अलामत ज़ाहर होती है तो फौरन करीबी हॉस्पिटल जाएं और अपना मुकम्मल फ्री चेकअप करवाएं।